नमस्कार, अनुज कुकिंग डायरी में आप सभी को स्वागत है। आज मैं बनाने वाला हूँ साउथ इंडियन स्टाइल लो टमाटर चटनी। कैसा बनाएगा दिखा देगा, आइए कम आइटम्स तो टमाटर चटनी बहुत टेस्टी बनाना पड़ता। सबसे पहले टमाटर चटनी बनाने के लिए यहाँ से मैं 5 टमाटर ले लिया। ये कच्चा नहीं लेना पड़ता है चटनी के लिए। ये इडली डोसा फर्स राइस को बहुत टेस्ट आता है। आप ऐसा बना के एक बार टेस्ट कैसा है जरूर कमेंट्स में बता दीजिए। आप मिर्ची 4 थोड़ा सी इमली 1 टेबलस्पून जीरा 1 टेबलस्पून मूंगफली। टमाटर चटनी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दीजिए। ऑयल बहुत गर्म होने के बाद 1 टेबलस्पून पल्ली डाल दीजिए, टेबलस्पून जीरा डाल दीजिए। इसे फ्राई हो गया। इसे फ्राई होने के बाद ऐसा ग्रीन मिर्च, उसके बाद टमाटर डाल दीजिए और थोड़ा से इसी के साथ इमली डाल दीजिए, साथ लहसुन ले लीजिए, साथ थोड़ा से धनिया पत्ता डाल दीजिए। ये बहुत टेस्ट आता है। धनिया पत्ता थोड़ा से डाल दीजिए, थोड़ा से करी पत्ता के अनुसार थोड़ा से नमक डाल दीजिए, 1.5 टेबल स्पून नमक डाल दीजिए, थोड़ा से आधा चम्मच हल्दी डाल दीजिए। हल्दी डालने के बाद अच्छे से मिला दीजिए, हल्का करके 5 मिनट तक बीच बीच में थोड़ा से हिलाते रहना। टमाटा पूरा अच्छे से पक लीजिए। ऐसे टमाटा पकने के बाद इनका स्टोव बंद, बहुत ठंडा होने के बाद मिक्सी जार में डाल के पीस कर लीजिए। ये बहुत ठंडा हो गया, पानी कुछ भी मत डाल दीजिए। टेस्ट आता है बहुत, ब्रेकफास्ट राइस साथ खा सकते, बहुत रोटी चपाती साथ बहुत टेस्ट आता है। रेडी हो चुकी है, अभी तड़का बनाएगा। तड़का बना के इसी में डाले तो बहुत बहुत टेस्ट आता है। डालने के लिए एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए। गर्म होने के बाद 4 टेबल स्पून जीरा, 4 टेबल स्पून मस्टर्ड। बहुत अच्छे से फ्राई हो गया। स्टोव बंद करने के बाद करी पत्ता थोड़ा सा पूरा ये तड़का इसी में डाल दीजिए। चटनी रेडी हो चुकी है। चटनी हमारा घर में ऐसा बनाता है, ये बहुत टेस्ट आता है। ये ब्रेकफास्ट एंड राइस, चपाती रोटी साथ कोड़ा खा सकता है, बहुत बहुत टेस्ट आता है। आप एक बार ऐसा बना के टेस्ट कैसा है जरूर कमेंट्स में बता दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।